भारत संकल्प यात्रा के दूसरे चरण में नगरीय क्षेत्रों में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी दी जा रही है। वहीं पात्र नागरिकों का विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत नामांकन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कटनी नगर के विभिन्न वार्डों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर आयोजित किए गए। यात्रा का शुभारंभ महापौर प्रीति संजीव सूरी और निगम के अध्यक्ष मनीष पाठक ने किया। अतिथियों के द्वारा आईईसी वैन टीम के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के संबंध में शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए नागरिकों से इनका लाभ उठाने का आह्वान किया गया। वहीं हितग्राहियों ने योजनाओं से उनके जीवन में आए बदलाव की कहानी साझा की। जब गरीबों को आवास मिलना एक सपने की तरह। मैं बांग्लादेश से आई हूँ। मेरे को गरीबी बीपीएल कार्ड है। मेरे आदमी को पैरालिस है। मेरे को गल्ला मिलता है और पेंसिल भी मिलती है, अन्न भी मिलता है। मोदी का धन्यवाद। मेरा नाम मेघराज है और मैं पीएम स्वनिधि के माध्यम से पहले 10,000 का लोन लिया था, उसको भी पूरा किया और 20,000 का भी पूरा किया। अब 50,000 का मेरा लोन चल रहा है, जिसके माध्यम से मैं स्वयं का रोजगार खोल लिया हूं और आगे और काम करना चाहता हूं। और पीएम मोदी की वजह से मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, जिसके पीएम मोदी के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरा नाम उदय शंकर पांडे है। मैं संजय नगर डॉक्टर जाकिर हुसैन वार्ड का निवासी हूं। आज विकसित भारत योजना के अंतर्गत यहां शिविर लगा हुआ है। मैं अपना आयुष्मान कार्ड बनवाने हेतु यहां आया हुआ हूं। हमारा नाम महेश है। हम संजय नगर में रहते हैं और हमको आवास योजना का मकान मिला हुआ है। मोदी जी का धन्यवाद। चांदनी चौधरी है। मुझे मोदी जी के तरफ से 10,000 मिला गया था धंधे के लिए, दुकान उकान के लिए। किराना की दुकान खोले हैं, उसकी राशि हमको प्राप्त हो गई है। 20,000 के लिए आवेदन डाला गया है।